नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल इंडी स्माइल पे। तो दोस्तों, आज हम बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री क्लास नाइन पार्ट टू का बुक का पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में क्या क्या आता है। तो लाइक दोस्तों, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं इन सिंपल ट्रिक से, तो आज हम इसी के बारे में देखने वाले। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको इसका नाम पता है, तो दोस्तों हम इसे कहते हैं नंबर लाइन। दोस्तों अगर बात करें इसको, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब दोस्तों जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो दोस्तों उसे कहते हैं हम ओरिजिन। अगर बात करें दोस्तों राइट हैंड की, तो राइट हैंड में पूरा पॉजिटिव मिलेंगे अंक आपको, पॉजिटिव रियल नंबर। और दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर। दोस्तों नेगेटिव रियल नंबर कहाँ तक, ओनली माइनस नेगेटिव फाइव तक नहीं, तो दोस्तों ये अप टू इन्फाइनेट तक, जहाँ तक हम गिनती नहीं कर सकते वहाँ तक। और दोस्तों पॉजिटिव कहाँ तक, जहाँ तक हम गिनती नहीं कर सकते वहाँ तक पॉजिटिव इन्फाइनेट। तो दोस्तों इसे इस तरह के रहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। अगर दोस्तों हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है, डी इज इक्वल टू डी ई एंड डी, मतलब दोस्तों यहाँ पे ई पॉइंट को नोटिस करिए और यहाँ पे डी पॉइंट को नोटिस करिए। तो ई मतलब थ्री है, डिस्टेंस थ्री है, और दोस्तों डी पॉइंट पर वन है, तो ये इसके पॉइंट हो गए। तो दोस्तों अब हमें डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ई एंड डी इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। बड़ा क्या है इस यहाँ पर, थ्री, मतलब ई माइनस डी करना है दोस्तों आपको, ई माइनस डी करना है। तो ई दोस्तों आपके पास है थ्री माइनस वन, तो दोस्तों अगर आपने थ्री माइनस वन किया तो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस टू। बट दोस्तों डिस्टेंस ऑफ ई डी इज इक्वल टू टू। दोस्तों ये होगा आपका आंसर। बट दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव करना है। अगर निगेटिव आया तो उसे पॉजिटिव करना है। अगर निगेटिव आया तो दोस्तों आपको उसे पॉजिटिव करना है। और दोस्तों जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज रियल नंबर आता है, मतलब कौन सा भी नंबर आता है, बट निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव आया तो आपको उसको पॉजिटिव करना है। तो आई होप दोस्तों आपको डिस्टेंस समझ गया होगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का सही आंसर, मतलब डिस्टेंस सी एंड डी का मुझे आप आंसर बताइए। मैं इसके पॉइंट लिख देता हूँ, डिस्टेंस सी है दोस्तों माइनस टू और डी है वन। तो दोस्तों आपको इसका आंसर करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।